नमस्कार, कमोडिटीज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और आज की हमारी इस खास पेशकश में हम सबसे पहले कॉटन सेक्टर की बात करेंगे। जी हां, सेक्टर खस्ता हालात से जूझ रहा है। उसके पीछे की काफी सारी वजह हैं जो आपको बता दें, यहां पर काफी हद तक किसानों को भी इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले देखें, हानिकारक कीटों से फसल पर काफी हद तक बुरा असर देखने को मिल रहा है। तमाम चुनौतियां एक एक करके आपके सामने रखते हैं। पिंक बॉलवर्म के हमले से फसलों को नुकसान हुआ है। फसलों पर कई तरह के मौसमी बीमारी का भी एक असर देखने को मिला है। उत्पादक क्षेत्रों में काफी हद तक पानी की जो कमी है, पानी की किल्लत की वजह से भी यहां पर कॉटन सेक्टर को इन चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। और कॉटन की यील्ड में लगातार गिरावट का अनुमान है। और अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो दशक का ये सबसे कमजोर यील्ड है। 500 किलोग्राम प्रति हेक्टर उत्पादन बाकी देशों से काफी कम है। आपको बता दें कि चीन में 1755 किलोग्राम प्रति हेक्टर का उत्पादन हो चुका है और भारत कॉटन इंपोर्टर बनने की कगार पर यहां पर रहा। उत्पादन एरिया बढ़ाने से हल नहीं निकलेगा। काफी हद तक ये सारी चीजें हैं जिसको किस तरह से इनकी इंप्रूवमेंट की जाए, यहाँ पर हो सकता है कि क्या एक रिवैम्प स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, किस तरह से पूरी चुनौती है इसका सामना किया जाए, सब कुछ बताने के लिए एक्सपर्ट्स की पैनल हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं बुलेटिन में। मेरे साथ अतुल गनात्रा जुड़े हैं, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। साथ ही हमारे साथ राकेश राठी भी जुड़े हैं जो कि इंडियन कॉटन एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ प्रथमेश मालिया जी जुड़े हैं एंजल कमोडिटी से, और इंडिया निवेश के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। गुड मॉर्निंग अतुल जी, सबसे पहला सवाल आप ही से जानना चाहूंगी, ये जो स्थिति हम देख रहे हैं कॉटन में सेक्टर में ही इतनी ज्यादा खस्ता हालत जो देख रहे हैं, स्थिति कितनी नाजुक है, कितनी गंभीर है? ये जो स्थिति बनी हुई है, ये जो चाइना और यूएसए का जो ट्रेड वॉर हो रहा है उसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और फॉरेन के मार्केट में आइस में करीबन 18% का ड्रॉप देखा गया है ट्रेड वॉर के चलते हुए, मगर उसके मुकाबले में इंडियन कॉटन में 4-5% के रेट कम हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही इस साल यील्ड इतनी कम क्यों हो गई है, इसका हल क्या है, क्या किया जाए? जी देखिए, यील्ड इस साल जो है वो लास्ट 10 साल की सबसे लोएस्ट कॉटन की यील्ड इस साल आई है। हमने सारे गवर्नमेंट को भी इसके फिगर भेजे हैं। यील्ड के इस साल एक हेक्टर में सिर्फ 420 किलो कॉटन आया है, जो करीबन 2.45 बेल होता है पर हेक्टर, वो बहुत यील्ड है, बहुत कम है। उसकी वजह से हमारा जो क्रॉप है वो 312 लाख गांठ का रह गया है, जो लास्ट ईयर 365 लाख बेल का था। और ये जो 50-55 लाख गांठ कम हुई है उससे हमारे यहाँ कॉटन की शॉर्टेज है। बिल्कुल राकेश जी, गुड मॉर्निंग। अब इसके लिए जी, इसके लिए आपने पूछा कि ये यील्ड को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। जी अतुल जी, जी तो यील्ड को सुधारने के लिए हमने गवर्नमेंट को लिखा है, खास करके कि जो इरिगेशन एरिया है हमारे यहाँ 80% एरिया नॉन इरिगेटेड है, जहाँ कॉटन की सोइंग होती है, तो वहाँ पे सिर्फ बारिश के पानी से ही डिपेंड रहते हैं। तो अगर इरिगेशन एरिया बढ़ाएगा गवर्नमेंट, इसमें कुछ हेल्प करेगा, तो फ्यूचर में इसमें यील्ड सुधरने की है, क्योंकि ये 80% एरिया बहुत होता है। और ये 80% एरिया में अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेन सही नहीं होगा तो ये यील्ड मार खा जाएगी। जैसे इस साल भी अभी देख रहे हैं कि बारिश नहीं है, जून में भी बारिश नहीं था, जुलाई में भी बारिश नहीं था, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेन सही नहीं हो रहा है, इसकी वजह से यील्ड ड्रॉप हो रहा है। बिल्कुल, और वाजिब बात है सरकार की तरफ से भी सपोर्ट की हमें जरूरत होगी ही। लेकिन अतुल राकेश जी, गुड मॉर्निंग, आप बताएं कॉटन सेक्टर के हालात कैसे सुधरेंगे, क्या कुछ किया जा सकता है कि किसानों में एक तरह से जागरूकता बढ़ाने से चीजें सुधर सकती हैं, या फिर क्वालिटी जो है बीजों की इन्हें अगर बेहतर किया जाए तो फिर चीजें बन सकती हैं? मैडम देखिए, इसमें सबसे बड़ा किसान जो है वो काफी हद तक जागरूक है, तो ये नहीं कहते वो जागरूक नहीं है। अच्छा, जैसे गणत्रा जी ने कहा था, हमारे सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर हम नॉर्थ को छोड़ दें, गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना जो हमारे मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो रेन फेड है, और उसका पता नहीं बरसात कब आती है, कितनी आती है, रेगुलर इंटरवल पे नहीं आती है, तो वो एक सबसे बड़ा
फैक्टर है, जिस फैक्टर की वजह से जो है जिस बार बरसात अच्छी हो जाती है उस साल जो है वो यील्ड बेटर हो जाती है, और अदरवाइज पिछले साल कोई ऐसा अगर कीटनाशक का कीटों का वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं था, पिछले साल जरूर प्रॉब्लम थी जब वो महाराष्ट्र के अंदर पिंक बॉल बॉम्ब वगैरह की जब वो प्रॉब्लम आई थी, उसको हमारे जो वैज्ञानिकों ने और हमारी सीड कंपनियों ने काफी हद तक उसका जो है वो निदान कर दिया था। तो इसके अंदर एक इशू यही है जी, मेजर जो यील्ड के अंदर दिक्कत आ रही है वो सीड की क्वालिटी भी ठीक है, पानी की जो है वो अवेलेबिलिटी का अनसर्टेनिटी है, अब उसकी वजह से सारी समस्याएं जो है वो ज्यादा उसका रोल जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, आप बताएं, देखिए कॉटन की एमएसपी 2%, सोयाबीन की एमएसपी 10%, और वहीं ग्राउंडनट की अगर बात करें 5% है, इससे कॉटन पर कैसा असर होगा? और थोड़ा सा फ्यूचर में जाने की कोशिश करेंगे, सोइंग के हालात आने वाले साल में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए कॉटन का एमएसपी इस साल कम बढ़ा है कंपेयर टू सोयाबीन और ग्राउंडनट, तो इससे क्या होता है कि महाराष्ट्र में मेन दो क्रॉप है जहाँ 40-40 लाख हेक्टर का सोइंग ये दो क्रॉप में ही होता है, सोयाबीन और कॉटन। तो ये जो एमएसपी कॉटन का कम बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, उसका महाराष्ट्र में कुछ हद तक असर दिख सकता है कि थोड़ा किसानों का झोंक सोयाबीन की तरफ रहेगा। और गुजरात में ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि फार्मर ज्यादा करके सिंगदाने के क्रॉप की तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि ये जो दो क्रॉप है वो 50-60 या 90 दिन का है, कॉटन के लिए 120-150 दिन रुकना पड़ता है। जो नई फार्मर की जो नई जनरेशन आई है वो चाहती है कि हम 2-3 क्रॉप ले लेवे, एक ही क्रॉप कॉटन का डाल के मार्च अप्रैल तक बैठे नहीं, और उसके बदले हम 2 क्रॉप ले लेवे, जैसे नॉर्थ में होता है कि दिसंबर में कॉटन के प्लांट निकाल के दूसरा स्वइंग करते हैं, वो स्टाइल पे अभी गुजरात और महाराष्ट्र के फार्मर नई पेड़ी के हैं वो जाना चाहते हैं। बिल्कुल राकेश जी, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगी, तकलीफ ये है ही, प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन सबसे पहला प्रावधान यही होगा कि इसे निकला कैसे जाए, क्या खेती के तरीकों में कोई बदलाव लाने से यहाँ पर स्थिति सुधर सकती है? नहीं है जी मैडम, क्योंकि हमारा किसान अभी भी जो वैज्ञानिक तरीके की खेती है उससे जो है वो काफी हद तक दूर है। इसमें तो ये है भी हर जगह जो है फार्मर को बेटर फार्म प्रैक्टिसेस जो है उसको एक्सटेंशन सर्विसेज के थ्रू जो है उसके तक पहुंचाया जाए, भी खेती करने का तरीका ये है, बिजाई करने का तरीका ये है, खाद ये डालनी चाहिए, इस वक्त के ऊपर इस तरह की जो है वह दवा का छिड़काव करना चाहिए, ये एहतियात बरतने चाहिए। तो इसके अंदर जो मेजर रोल रहेगा पानी के बाद में जो मेजर रोल रहेगा वो रहेगा एक्सटेंशन सर्विसेज का, गवर्नमेंट भी कर सकती है, कॉटन एसोसिएशन को भी करना चाहिए, टेक्सटाइल एसोसिएशन को भी करना चाहिए, जिनिंग एसोसिएशन को भी करना चाहिए, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि सबका जो भविष्य जो है किसान की खेती के ऊपर ही है। अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा रहेगी, यील्ड अगर कम रहेगी तो कॉटन वो पैदा नहीं करेगा, और वो कॉटन नहीं पैदा करेगा तो हिंदुस्तान का इतना बड़ा जो व्यापार है टेक्सटाइल का, इससे अरबों रुपए की आमदनी होती है फॉरेन एक्सचेंज की, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, उसको एक झटका लग सकता है अगर इसमें अपने कोई सोच या रिसर्च नहीं करेंगे। बिल्कुल राकेश जी, अतुल जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते और एग्री मार्केट का ही जायजा ले लेते हैं, क्योंकि हमने कॉटन से ही शुरुआत की है। प्रथमेश और मनोज, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मनोज, प्रथमेश मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मनोज क्योंकि हम एग्री बाजार की बात कर रहे हैं, एक तो मुझे कॉटन पर आपकी स्ट्रेटजी बताएं, यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं हम मुद्दा, उसके चलते कॉटन में आप क्या आगे लेवल्स देख रहे हैं? बिल्कुल, कॉटन में हमने देखा था कि भारतीय बाजारों में एक बार कीमतें 21,000 के स्तरों तक आई थी, और इंटरनेशनल मार्केट में हालांकि प्रेशर है ड्यू टू यूएस और चाइना ट्रेड टेंशन, और उसकी वजह से चाइना के इंपोर्ट्स जो है वहां पे लगातार गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह से उत्पादन में जो गिरावट देखने को मिल रही है भारत में, तो उसकी वजह से यहाँ पे कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है कि 21,000 भारतीय बाजारों में अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे, और अगर यहाँ पे प्राइजेस जो है थोड़ा करेक्शन देखने को मिलता है टुवर्ड्स 21,000, तो वो फिर से खरीदारी के लिए अच्छे स्तर होंगे।
21,500 से 21,700 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, तो उन स्तरों के आसपास मुनाफा वसूली फिर से देखने को मिल सकती है। तो अभी यहाँ पे एक दायरे का कारोबार 21,000 ऑन द लोअर साइड और 21,700 ऑन द हायर साइड ये देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मनोज, साथ ही सोयाबीन पर आपसे जानकारी चाहूंगी। करंट लेवल्स पर सोया पैक में जैसे कामकाज चल रहा है, क्या खरीदारी का मौका यहाँ पर फिलहाल बन सकता है? बिल्कुल, यूएसडीए रिपोर्ट के बाद हमने सोयाबीन को 3,700 के स्तरों पर आते हुए देखा था और अगस्त वायदा में फिर से एक बार थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन सोयाबीन काउंटर जो है 3,580 के स्ट्रांग सपोर्ट अभी भी होल्ड कर रहा है और जिस तरह से उत्पादन एरिया में थोड़ा बारिश में जो है कमी देखने को मिल रही है, तो मेरा मानना है कि निचले स्तरों पर फिर से सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगस्त वायदा अगर 3,600 के स्तरों के आसपास आता है तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए, 3,580 का लक्ष्य रखें और 3,570 का एक स्टॉप लॉस रखें। अच्छा, तो यहाँ पे 3,680 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन बनाए, 3,570 का स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाना ना भूले, 3,600 के लेवल्स अगर आप देखते हैं तो खरीदारी का मन यहाँ पर बनाकर चले, 3,646 के स्तर पर यहाँ पर फिलहाल कामकाज। और साथ ही मेंथा ऑयल पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी मनोज? बिल्कुल, मेंथा ऑयल में भी हमने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में जो है अच्छी खरीदारी आते हुए देखी है और यहाँ पे अब थोड़ी इंटरनेशनल जो है डिमांड भी देखने को मिल रही है, तो मेरा मानना है कि जो बढ़ाते वो जारी रहना चाहिए। फिर भी अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो 1232 का स्तर अच्छा होगा खरीदारी के लिए, ऊपर में 1255-1260 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं, 1220 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, 1260 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1218 का स्टॉप लॉस लगाकर 1232 पर खरीदारी का मन बनाए, 1246 यहाँ पर रेवेंथा ऑयल पर करंट मार्केट प्राइस में करीब 1% के ऊपर की तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार नॉन एग्री मार्केट का जायजा लेंगे। ब्रेक में जाते जाते देखें हमारी सुपरहिट कॉल्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं कमोडिटीज लाइव और हमारे साथ प्रथमेश माल्या और मनोज कुमार जैन मौजूद हैं। अब नॉन एग्री मार्केट का जायजा ले लेते हैं। बुलियन मार्केट्स पर सोने चांदी में देखिए हम फंडामेंटल्स आपको बता देती हूँ। इसमें आज रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, बेहद खास है ये नंबर्स इकोनॉमी की स्थिति से और यूएस ट्रेजरी यील्ड में भी हल्की गिरावट और साथ ही डॉलर इंडेक्स में जो एक दायरा देखने को मिल रहा है इसका असर क्लियरली सोने चांदी के वायदे पर आप देख पाएंगे। 34,881 के लेवल्स आप घरेलू बाजार में देखेंगे सोने पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार 1413 के स्तर पर लाल निशान के साथ कामकाज है। वहीं चांदी की अगर बात करें 38,670 के लेवल्स पर हल्की सी खरीदारी यहां पर आप देख पाएंगे। प्रथमेश, आप बताएं इसमें सोने चांदी में अहम लेवल्स आप क्या दे रहे हैं, स्ट्रेटजी अगर बात की जाए तो सोने पर क्या खरीदारी की है? हाँ, मेरे ख्याल से सोना में एक बार 35,200 का भाग एक बार वापस दे सकता है। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो 34,800 के आसपास एंट्री पॉइंट होना चाहिए, 34,600 का स्टॉप लॉक और ऊपर में 35,100 के टारगेट्स रहने चाहिए। वैसे सिल्वर की बात करें तो अराउंड 38,500 के एंट्री पॉइंट होना चाहिए, 38,200 का स्टॉप होना चाहिए, ऊपर में 38,900 के टारगेट्स होने चाहिए, तो दोनों काउंटर में बाय की सलाह रहेगी। ओके, तो खरीदारी का मन दोनों ही काउंटर पर सोने और चांदी में आप मन बनाकर चल सकते हैं, खरीदारी कीजिए। 38,900 के लक्ष्य को यहां पर ध्यान में रखें, 38,200 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूले, सोने में खरीदारी करके चले और 35,100 यहां पर टारगेट है, यहां पर आप खरीद टारगेट्स को ध्यान में रखें, 34,600 का स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाना है। 34,875 के स्तर पर फिलहाल बिकवाली का दबाव सोने के वायदे में आप देख पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और क्रूड की चाल पर एक बार नजर बना लेते हैं। कच्चे तेल में गिरावट है और एक दायरे में कल से ये कामकाज कर रहा था। M6 पर देखिए 4,077 के स्तर पर लाल निशान है। ब्रेंट क्रूड जो है $66 के ऊपर ट्रेड करने की पूरी कोशिश कर रहा है और साथ ही नाइमिक्स क्रूड में करीब $60 के नजदीक के स्तर आप देख पाएंगे। खासतौर से मेक्सिको की खाड़ी में क्रूड कंपनियों का काम वापस शुरू हुआ है, इसका एक इम्पैक्ट आप क्रूड के वायदे पर देखेंगे और साथ ही तूफान से मेक्सिको की खाड़ी में जो उत्पादन था वो आधा हो गया था लेकिन अब कामकाज फिर से शुरू हुआ है। चीन में आर्थिक आंकड़ों में कमजोरी है, इसका एक असर है क्रूड पर और अब आगे कच्चे तेल की मांग घटने की भी पूरी आशंका है। तो ये तमाम फैक्टर्स है जिसके चलते यहां पर आप लेवल
लेवल्स को है डाउन ट्रेंड में जाते हुए देख रहे हैं। मनोज, क्रूड पर जो फंडामेंटल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या बिकवाली और ज्यादा हावी होती हुई दिखेगी? बिल्कुल मानसी, इंट्राडे में थोड़ा सा जो है गिरावट देखने को मिल सकती है, हालांकि अभी क्लियर जो है बड़ी गिरावट का इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट का टेंशन जो जारी है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से जो यूएस गल्फ ऑफ मेक्सिको में फिर से जो प्रोडक्शन रिज्यूम्स हुआ है तो उसकी वजह से कीमतों पर दबाव है, और कीमतें एक बार $60 जो है WTI की बात करें तो उसके नीचे ट्रेड करती हुई दिख रही है। हालांकि जो डायरेक्शन की बात करें तो आज जो API के जो डेटा आएंगे और कल EIA का इन्वेंट्री आएगा तो उससे क्लियर डायरेक्शन मार्केट को मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन आज के सत्र में जिस तरह से कीमतें एक बार 4,100 के स्तरों के नीचे आई है तो यहाँ पे जो गिरावट है वो बढ़ सकती है, तो यहाँ पे 4,100 के स्तरों के आसपास भी जो है बिकवाली की जा सकती है। ऊपर में 4,170 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, मेरा मानना है कि 4,040 तक के स्तर जो है आज इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर ही 4,040 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। बिकवाली जो है वो और ज्यादा हावी होती हुई बिल्कुल दिख सकती है। 4,050 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर 4,170 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की रणनीति अपनानी है आपको। 4,120 पर इसे बेचें, 4,080 के नीचे के लेवल्स पर क्रूड फिलहाल फिसलता हुआ घरेलू बाजार में आप देख पाएंगे। क्लियरली न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है, काफी सारे कारण हैं जिसके चलते एक दायरे में कल से ही क्रूड ट्रेड कर रहा है और आज भी यहां पर बिकवाली का दबाव जो है वो बिल्कुल हावी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन नेचुरल गैस, इस पर भी एक बार नजर बनाएंगे। एनर्जी पैक में प्रथमेश, नेचुरल गैस आपको कैसा लग रहा है? 164 के लेवल्स पर फिलहाल ही ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इस काउंटर में ज्यादा कुछ ये नहीं है, मोमेंटम नहीं है फिलहाल। ये नीचे में करीब 160 और ऊपर में 168 इस दायरे में रह सकता है, तो मेरे ख्याल से अगर नेचुरल गैस में ट्रेड अवॉइड करो तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो नेचुरल गैस में बिल्कुल दूर रहे, इसे करंट लेवल्स को देखते हुए ट्रेड अवॉइड ही किया जाए, ये राय प्रथमेश की तरफ से। मनोज, क्या आप भी इसी से नेचुरल गैस में ट्रेड अवॉइड करने के बारे में ही सोचेंगे? एक दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है, अगर किसी को बाइंग का स्ट्रेटेजी करना है तो 162 रुपए के आसपास अगर आती है कीमतें तो 160 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके ले सकते हैं। ऊपर में 168 170 अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इन स्तरों के आसपास जो है बाइंग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो चलिए, क्लियरली एनर्जी पैक की चाल जो है वो धीमी पड़ती हुई दिख रही है। नेचुरल गैस भी यहाँ पर एक 164 के अनचेंज लेवल्स पर कामकाज कर रहा है और क्रूड तो आप देख ही रहे हैं, एक दायरे का कारोबार यहाँ है ही। लेकिन बेस मेटल्स की चाल पर अब एक बार नजर बना लेते हैं। तमाम बेस मेटल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। एल्यूमिनियम 143 के स्तर दिखा रहा है, 444 के लेवल्स पर कॉपर है, यहाँ पर देखिए लाल निशान के साथ कामकाज है। जिंक और लेड में भी यहाँ पर 193 के स्तर पर जिंक और लेड 156 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। प्रथमेश, क्या कॉपर में आप खरीदारी की राय देंगे करंट लेवल्स को देखते हुए? फंडामेंटल्स कौन से तेज हैं? मेरे ख्याल से चाइना की तरफ से स्लो डाउन है, वो थोड़ा सा हावी हो रहा है बेस मेटल्स पे। बट अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहें जस्ट फॉर डे ट्रेड, मेरे ख्याल से कॉपर में आपको बाय साइड में रहेगा तो मोमेंटम दिख सकता है। 443 के आसपास अगर ये आता है कमोडिटी तो उसमें बाय करना चाहिए, 438 का स्टॉप लगाकर। ऊपर में करीब 452-450 के टारगेट्स रहेंगे, तो कॉपर में एक बार के लिए बाय करके चलना बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है मनोज, बेस मेटल्स में आपकी टॉप पिक कहां पर है? यहाँ पे कॉपर में मुझे थोड़ा सा सेलिंग मूव आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल यूएस के एम्पायर स्टेट के जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आए थे वहां पे हमने एक थोड़ी बढ़त बेस मेटल्स में आते हुए देखी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से फिर जो चाइनीज डेटा आए हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं अभी भी जो यूएस चाइना ट्रेड वार का इम्पैक्ट जो है वो क्लियरली बेस मेटल्स के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। $6,000 अभी भी LME पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके ऊपर कीमतें सस्टेन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे इंट्राडे में 445-446 जो है यहाँ पे एक सेलिंग मूव देखने को मिल सकता है। 448 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, 442 तक मेरा मानना है कि एक बार कीमतें देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अब एक बार मॉनसून का अपडेट ले लेते हैं। पानी की किल्लत है तो कई पानी ने बेहाल किया है। देखिए बाढ़ से बेहाल बिहार, असम, दिल्ली में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली NCR में तो बारिश से राहत भी देखी गई है, बिहार असम में और साथ ही असम में 26 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित होते हुए दिखे हैं। राहत बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाया गया है। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का पानी घुसता हुआ दिखा है, तो बाढ़ की वजह से देश के कई राज्य हैं जो कि
परेशान है। लेकिन इसी बीच दिल्ली एनसीआर में जहां पर कह सकते हैं कि बारिश नहीं आ रही थी, अब बारिश आने से थोड़ी सी राहत की अनुभूति दिल्ली वासियों को देखने को मिल रही है। चलिए अब वक्त है आज के रैपिड फायर राउंड का। जी प्रथमेश, बताएं अपनी रैपिड फायर कॉल। मेरे ख्याल से गोल्ड में बाय करना चाहिए, 34,800 का एंट्री पॉइंट होगा, 34,600 स्टॉप होगा, ऊपर में 35,100 के टारगेट होंगे। ठीक है मनोज जी, आपकी रैपिड फायर कॉल। यहाँ पर कच्चे तेल में बिकवाली करना चाहिए 4,100 से 4,120 के रेंजेस में, 4,170 का स्टॉप लॉस रखिए, नीचे में 4,050 4,040 तक के स्तर देखेंगे। ठीक है प्रथमेश जी, आपकी अगली और आखिरी रैपिड फायर कॉल। 443 में कॉपर बाय करना चाहिए, 438 का स्टॉप लॉस और ऊपर 450 के टारगेट्स रहेंगे। बिल्कुल मनोज, प्रथमेश, तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ कमोडिटीज लाइव में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, मार्केट से जुड़ा एक्शन ढेर सारा है, बने रहें हमारे साथ, नमस्कार।